हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरी यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड, जो खाने में बहुत ही यम्मी, टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 कप दूध ले लिया है, जिसको मैंने उबलने के लिए गैस पर रख दिया है। उबाल आने के बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी मिक्स करेंगे और इसको भी चलाते हुए ही मिक्स करना है। तो चलिए, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है, ये उबला हुआ दूध है, जिसको रूम टेम्परेचर पर करना है। ये ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा। अब इसमें 4 बड़े चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसको चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इसमें गाइस कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, ऐसे इसमें कोई भी गुठली ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, ये तैयार हो गया है। अब इसको हम उबलते हुए दूध में डालेंगे। और दूध को हमें लगातार चलाना है, नहीं तो ये तले में लग सकता है। चलिए, इसको मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे चलाते रहना है और गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। देखिए, अपने आप ही थिक होता चला जाएगा। इसमें उबाल आ गया है, देखिए ये पहले से थिक हो गया है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना क्रीमी है। ऐसे ही इसको चलाते रहना है। अब हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्म में कभी भी हम फ्रूट ऐड नहीं कर सकते। इसको हमने कम्प्लीटली कूल करना है। देखिए, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो ही ऐड करना, अगर नहीं पसंद है तो नहीं ऐड करना। मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल ये क्रीमी लगेगा। अब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ मैंगो लिया है, थोड़े अनार लिए हैं, थोड़े मैंने कटे हुए एप्पल लिए हैं, थोड़े मैंने यहाँ ग्रेप्स लिए हैं, जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गाइस, मैंने ये कई बार खाया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने बनाना ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं काटे, क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं उसको हाथों हाथ ही काटूँगी। अब मैंने बनाना इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा फ्रूट कस्टर्ड बना है। आप ऐसे सर्व कर सकते हैं इसको। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। देखा, कर रहा ना खाने का मन। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब इसको 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखिए,
अब हम इसको सजाएंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद से इसको सजा सकते हैं, नहीं तो ये वैसे भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने मैंगो जेली बनाई है, इस पे थोड़ी मैंगो जेली डाल दी है। आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कीजिए। और यहाँ मैंने कुछ कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और मैंने थोड़े पिस्ते लिए हैं, उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। आपके घर में जो भी फ्रूट हो वो ले सकती हैं। लीजिए इसमें भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, इसको भी गार्निश कर देते हैं। थोड़े अनार के दाने डाल देते हैं। देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप गाइस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।